अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि सऊदी अरेबिया में आप याकूत सिम को याकूत ऐप के थ्रू ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हो और सिम आपको आपके घर पर मिलेगा। और आपने इसे एक्टिवेट किस तरह करना है, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका दिखाऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की जान। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर क्लिक कर लेना है। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद फिर आपने रिसर्च में याकूत, आपने यहाँ से याकूत टाइप कर लेना है और फिर से रिसर्च कर लेना है। रिसर्च करने के बाद फिर आपके सामने ये वाला ऐप आएगा, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरा पहले से डाउनलोड है, तो फिर यहाँ से ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर आप याकूत के ऐप के ऊपर आ जाओगे और फिर यहाँ से आपके सामने दो ऑप्शन शो रहे हैं, ऑर्डर, एक्टिवेट, स्विच नंबर। अगर आप नया सिम लेना चाहते हो तो फिर यहाँ से आपने ऑर्डर एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। अगर आपने अपना सिम याकूत करना है तो फिर यहाँ से स्विच नंबर पे क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने ऑर्डर अ सिम, आपने यहाँ से इस पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना पैकेज चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे पैकेज शो हो रहे होंगे, तो मैं यहाँ से सबसे पहला वाला पैकेज चूज़ करूँगा, ये सबसे सस्ता है। तो फिर यहाँ पर नीचे आपने चूज़ सिम टाइप, आप कौन सा सिम लेना चाहते हो तो वो आपने यहाँ से नीचे सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने प्राइस शो होगा और फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना नंबर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे नंबर शो होंगे, जो भी नंबर आपको अच्छा लगे आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने इससे और दूसरे नंबर चाहिए होंगे तो फिर आपने इसे रीलोड कर लेना है, ताकि आपके सामने और भी बहुत सारे नंबर यहाँ पर शो हो सकें। तो मैं यहाँ से अब ये वाला नंबर चूज़ करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से ये नंबर सेलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से आपका लोकेशन आ जाएगा कि आप किस लोकेशन पे हो, ताकि आपको सिम डिलीवर हो सके। तो फिर यहाँ से आपने अपना डे सेलेक्ट कर लेना है। डे सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंफर्म लोकेशन डिलीवरी डेट, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना नाम, जो आपके इकामा पे नाम होगा, आपने वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने नेशनलिटी, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका नेशनलिटी होगा, आपने वो नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने नीचे सेलेक्ट नेशनलिटी, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे आपने अपना इकामा नंबर, जो भी आपका इकामा नंबर होगा, आपने वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। इकामा नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कोई भी मोबाइल नंबर जो आपके नाम पर होगा, आपने वो एंटर कर लेना है। नंबर एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने सेंड अ कोड पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का OTP आएगा, आपने वो OTP यहाँ पर एंटर कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई हो जाने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना ईमेल, जो आपका एक्टिव ईमेल होगा, आपने वो ईमेल यहाँ पर एंटर कर लेना है। ईमेल एंटर करने के बाद फिर यहाँ से सेंड द कोड, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके ईमेल पर कोड आएगा, आपने वो कोड यहाँ पर एंटर कर लेना है। कोड एंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने इसे वेरीफाई, आपने वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई होने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने पूरा डिटेल शो हो रहा है कि आपका इतना पैसे देने होंगे, और फिर यहाँ से आपने कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है ऑर्डर कंफर्म हो गया है। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद फिर यहाँ से आपने होम पेज, आपने यहाँ से फिर अपने होम पेज पे क्लिक कर लेना है। होम पेज पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपका होम पेज कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। अब आपको सिम नहीं मिला है, और जब आपको ये सिम मिल जाएगा तो फिर यहाँ से जब दोबारा से आप अपने ऐप में लॉगिन हो जाओगे, तो लॉगिन होने के बाद फिर आपके सामने ऐप कुछ इस तरह का शो होगा। इस तरह का शो होने के बाद फिर यहाँ से आपने एक्टिवेट योर सिम कार्ड, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके पास जो सिम होगा, आपने उसे स्कैन कर लेना है। आप इसे स्कैन भी कर सकते हो और आप इसे मैन्युअली भी नीचे नंबर एंटर कर सकते हो। तो मैं इसे स्कैन करूँगा। जब मैं इसे स्कैन कर लूँगा तो फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट पेज पर चला जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मेरा स्कैन हो गया है। और अब आपने यहाँ से नेशनल एड्रेस, आपने वो एंटर कर लेना है। सबसे पहले आपने सिटी पे क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ से आपने अपना सिटी चूज़ कर लेना है।
और फिर यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, आपने वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना स्ट्रीक इंटर कर लेना है। स्ट्रीक इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना पोस्ट कोड, जो भी आपका पोस्ट कोड होगा, आपने वो इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे आएगा बिल्डिंग नंबर, आपने अपना बिल्डिंग नंबर इंटर कर लेना है। फिर यहाँ पर नीचे आपने एडिशनल नंबर इंटर कर लेना है। एडिशनल नंबर इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको पूरा डिटेल शो हो रहा होगा। आपने पेज को नीचे कर लेना है और यहाँ से टर्म्स कंडीशन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने गो टू नफाद, अब आपके सामने एक कोड शो हो रहा होगा, ये रिक्वेस्ट नंबर है। और फिर यहाँ से आपने अपने नफाद ऐप पर चले जाना है। नफाद ऐप पर आकर आपने इसे रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद फिर यहाँ से आपको ये रिक्वेस्ट शो हो रहा होगा, आपने यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपने रिक्वेस्ट नंबर पर क्लिक कर लेना है। रिक्वेस्ट नंबर पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपने अपना पिन नंबर इंटर कर लेना है। पिन नंबर इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना फेस वेरिफिकेशन कर लेना है। जब आपका फेस यहाँ से वेरीफाई होगा तो फिर आपके सामने यहाँ से शो होगा सक्सेसफुल, कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा सक्सेसफुल। जब यहाँ से सक्सेसफुल शो होगा तो फिर आपने अपने पेज पर आ जाना है नफाद वाले, और फिर यहाँ से ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का शो होगा, वी आर वर्किंग ऑन अ एक्टिवेट यूर सिम। और फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। यहाँ से अब आपने पेमेंट कर लेना है अपने पैकेज का। आपने यहाँ से कार्ड पे क्लिक कर लेना है। कार्ड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपने कार्ड्स के डिटेल्स इंटर कर लेने हैं। सबसे पहले आपने अपने कार्ड्स के जो 16 नंबर हैं आपने वो इंटर कर लेने हैं। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपके कार्ड के ऊपर जो नाम होगा आपने वो इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे एक्सपायरी डेट, जो भी एक्सपायरी डेट होगा, आपने सबसे पहले वो इंटर कर लेना है। वो इंटर करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना CVV इंटर कर लेना है, जो कार्ड के पीछे CVV है वो इंटर कर लेना है। और फिर यहाँ से आपने ऐड पे क्लिक कर लेना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर आपके कार्ड से एक रियाल ले जाएगा और फिर दोबारा उसे रिफ़ंड कर देगा। रिफ़ंड करने के बाद फिर यहाँ से आपने अपना CVV इंटर कर लेना है। और फिर यहाँ से लास्ट में आपने चेकआउट, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके कार्ड से पैसे चले जाएंगे और आपके सामने शो होगा सिम कार्ड एक्टिवेटेड। अब आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया है और अब आपने यहाँ से अनलिमिटेड ऐप पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपने 7 अनलिमिटेड ऐप्स चूज़ कर लेने हैं। जो भी आप ऐप चूज़ करना चाहते हो आप चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैं यहाँ से ऐप्स ऐसे चूज़ करूँगा। आप भी अपना 7 जो ऐप होंगे अनलिमिटेड होंगे वो यहाँ से कुछ इस तरह से चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं आपके सामने चूज़ कर रहा हूँ। और फिर जब आप अपने 7 ऐप चूज़ कर लोगे तो फिर यहाँ से आपने कंफर्म माय सिलेक्शन, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आपके सामने शो होगा वेलकम टू याकूत वर्ल्ड, यानी अब आपका पैकेज एक्टिव हो गया है। और अब जब आप यहाँ से होम पेज पर जाओगे तो फिर आपके सामने पूरा डिटेल्स आपके पैकेज का शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना याकूत सिम अपने मोबाइल के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो और वो सिम आपको घर पे मिलेगा और आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।